प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। मेरा नाम महेश शर्मा और अपन पढ़ रहे 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। और इससे पिछले वीडियो में अपन ने एक भौतिक जो राशि थी, फिजिकल क्वांटिटी विद्युत फ्लक्स, उसको अपन ने देखा था। और आज अपन इस लेक्चर में करने वाले आपकी बुक के एग्जाम्पल नंबर 9.1 और 9.2 का सोल्यूशन। तो देखिए, फ्लक्स के दोनों सवाल है, फाइव बराबर बी ए कोस थीटा। फ्लक्स का फॉर्म आप जानते हो, फ्लक्स क्या होता है, फाइव बराबर बी ए कोस थीटा या फाइव बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी चुंबक के सतह सदिश और क्षेत्र सदिश का जो अदिश गुणनफल है उसे बोलते हैं चुंबक के फ्लक्स। दिखाते हैं किसने इसको, फाइव से दिखाते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9.1 क्या गिवन है, बोला है एक वर्ताकार। एग्जाम्पल नंबर 9.1 का सोल्यूशन बोला क्या है कि एक वर्ताकार वलय का क्षेत्रफल, अब आगे देखो वेक्टर में दर्शा है तो साफ साफ दिख रहा है कि आपको एरिया वेक्टर गिवन है, क्षेत्रफल सदिश गिवन है। तो आपको ए वेक्टर की वैल्यू देखे क्या, ए वेक्टर आपको गिवन है कितना, 3 i k + 2 j k + 2 k k, और इंटू में वहां आपको गिवन है इसके (10^-2 m²). और आगे बोला है यदि वह यह है वलय 2 i k - 2 k k × 10^-4 टेस्ला, T4 टेस्ला चुंबक के स्थिर रखिए तो वलय से गुजरने वाला चुंबक के फ्लक्स बताइए। मैं आपको सिंपल दोनों दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर की वैल्यू गिवन कितनी, 2 i k - 2 k k × में गिवन आपको कितना 10^-4 का टेस्ला। निकालना क्या आपको चुंबक के फ्लक्स, तो चुंबक के फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, फाइव बराबर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फाइव बी चुंबक के फ्लक्स, फाइव बी क्या होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब करना कुछ नहीं आपको, 11th क्लास है तो सिंपल कि आपको दो सदिश राशियों को अदिश गुणा करना है, और अदिश गुणा आप जानते हो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के साथ, आई के को आई के साथ, जे के को जे के साथ, और के को के के साथ। तो लिखिए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी, देखिए 3 i k + 2 j k + 2 k k डॉट बी वेक्टर इंटू में 10^-2 इंटू में बी वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2 i k - 2 k k इंटू में 10^-4। तो देखिए अपन -2 -4 रुपये भारी कर लेते हैं, इन 10^-6 और 3 i × 2 हो जाएगा 3 × 2 = 6। आई को आई के साथ करना हो सिंपल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर घटकों में अदिश गुणनफल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्लियर है ना। आई को आई के साथ गुणा कीजिए, जे को जे के साथ, अब इसमें जे है नहीं तो जे को इसका जे जीरो मान सकते हैं अपन, इन 2 × 0 कितना हो जाएगा 0 × 2 × -2 के साथ, तो 2 × -2 कितना होगा -4, और बाहर बन जाएगा जे कितना -2 -4 -6, और इसका मात्रक क्या होता है वेबर, तो आंसर आएगा कितना 0 6 - 4 यानी 2 × 10^-6 WB वेबर। तो ये हो गया आपका इसका आंसर चुंबकीय फ्लक्स, 2 × में यहाँ पे 5 भी लिखा है, 2 × 10^-6 वेबर, -6 वेबर, क्लियर है, -2 - 4 2 × 10^-6 वेबर, बोलो क्लियर हो गया आंसर, मैच हो गया आपका। तो सिंपल करना कुछ नहीं, आपको जो बी वेक्टर दे रखा है और ए वेक्टर दे रखा है, तो बी डॉट ए कर लीजिए, ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.2 का सोल्यूशन। ठीक है, यह क्लियर, इसको आप सॉल्व कर लिया होगा। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 9.2, एग्जाम्पल नंबर 9.2 ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है, सवाल है 9.2 क्या जीवन ने बोला है कि एक वर्ताकार कुंडली 5 × 10^-3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 60° कोण पर रखिए, इस कुंडली का क्षेत्र 4 m² हो तो कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो सब कुछ दे रखा है फाइव बराबर, इस बार ये यूज कर लेना, थीटा भी दे रखा है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, पिछली बार बी वेक्टर ए वेक्टर गिवन है, यूज किया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वाला फॉर्मूला। तो देखिए 5 × 10^-3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, यानी किसकी वैल्यू गिवन है आपको, गिवन है बी की वैल्यू कितनी 5 × 10^-3 टेस्ला, और आई गिवन है 60° कोण पर रखी है, थीटा दे रखा आपको 60°। अब थीटा कितना होगा यहाँ पे इसको हमें देखना पड़ेगा, इसको हम थीटा डैश बोल रहे हैं, 60°, ये वाला थीटा ये नहीं है, थीटा 60°, और आपको ए गिवन है कितना 4 m², 4 m², तो डायग्राम बना देखिए, कुंडली है, मान लेते ये चुंबक के क्षेत्र है, मान लेते अपने ये क्या है
ये चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे बी वेक्टर मैंने बना दिया ऐसे। अब जो कुंडली है चुंबकीय क्षेत्र में से मतलब किसी कोण पे, ऐसे किसी कोण पे रखी है, और इसका जो कोण है वो कितना है चुंबकीय क्षेत्र से, या जो कोण है इसका 60 डिग्री। इस कुंडली का जो कोण है वो कितना डिग्री पे रखी है, 60 डिग्री पे। आपको क्या निकालना होता है, इसमें थीटा होता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। अब क्षेत्र सदिश क्या होता है, तल के लंबवत। अगर ये कुंडली ऐसे रखी हुई है, मतलब ऐसे कुंडली रखी हुई है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर इसके लंबवत, तो ये बनेगा इसका एरिया वेक्टर, यानी ए वेक्टर बनेगा, ए वेक्टर। समझ आ रहा है? ये मान लो अगर मार्कर बी वेक्टर है, तो कुंडली से इसको इससे किसी कोण के ऐसे रखी हुई है, ऐसे किसी 60 डिग्री हथेली कुंडली मान लीजिए, तो ये थीटा, मतलब ये थीटा जो ये नहीं है, अपने क्या लेना हो, थीटा एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण लेना है। ये पूरा कितना होगा, 90। बाहरी क्षेत्र सदिश क्या होगा, तल के लंबवत होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर थीटा कितना आएगा, 90 माइनस 60। आपको ये वाला चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए आपको, तो ये पूरा 90, ये 60, तो थीटा आपका बनेगा 30 डिग्री। तो 5b का फॉर्मूला लगा दीजिए, बी ए कोस थीटा। अब बी का मान देखा वो कितना, 5 × 10⁻³। ए का मान देखा कितना, 4 × cos थीटा यानी cos 30 डिग्री। तो हल करेंगे तो 5 × 10⁻³, 4 × 4 और cos 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो √3/2 होती है। 2 से इसको काट दीजिए तो आएगा 2 × 2 2 बार कट गया, और यहाँ से कितना है, 5 × 10 × 10³, और इसका मात्रा क्या होगा, वेबर होगा। और अगर √3 की वैल्यू रख देते हो तो कितना बन जाएगा, √3 होता है आपका 1.732 × 10³ वेबर। तो आप इसको बोल सकते हो 1.732 × 10² वेबर कर लीजिए। मैंने 10 को इसमें अरेंज कर दिया है, भाई 10⁻³ और 10, तो 5b आपका आंसर आ जाएगा। कितना, 5b चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, 1.732 × 10² वेबर। अब बुक में आंसर जो दे रखा है उन्होंने आगे सोल्व नहीं किया, उन्होंने इसी फॉर्मेट में आपका आंसर यहीं पर उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने बुक में यहीं पर आंसर छोड़ रखा। मैंने आगे किया कुछ नहीं है, √3 की वैल्यू 1.732 रख दिए, और 10 को 10³ को मैंने −2 कर दिया, तो ये भी सही है बुक में और ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। इसमें कोई उन्होंने रूट की वैल्यू रखी नहीं है, मैंने रूट की वैल्यू रख दी है। तो ये थे आपके दोनों एग्जाम्पल 9.1 और 9.2 का सोल्यूशन। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आपके जो आपके विद्युत चुंबक जो आपके एक्सपेरिमेंट है फैराडे के, उन एक्सपेरिमेंट के बारे में और फैराडे के नियमों के बारे में। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।